कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करे ठंडी के समय में, चले छोड़ो तो बनाते हैं अच्छा सा रेसिपी। देखिए उसका पूरा प्रोसेस, देखिए उसका प्रोसेस, ये देखिए ये उड़द की दाल है, इसको उड़द की दाल का बनता है और मूंग की दाल का बनता है और चना के दाल का बनता है, लेकिन उड़द की दाल का बढ़िया बनता है, इसीलिए उड़द की दाल का इसको 5-6 घंटा फूलने में डाल दीजिएगा और जब फूल जाए उसको अच्छा से मिक्सिंग पीस लीजिएगा, पूरा फ्लफी टाइप का हो जाए तब तक पीसते पीसिएगा। उसके बाद अच्छा से फेर भी लेना है इसको, इसको अच्छा से थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल दीजिएगा और इसको अच्छा से फेंटिएगा, जब तक फ्लफी नहीं हो जाए तब फेंटिएगा, एकदम फूला फूला बनेगा। देखिए जी फ्लफी हो चुका है ये, आप चलिए बनाते हैं। तो हाथ थोड़ा पानी लगाइएगा और हाथ थोड़ा गोल गोल कर लीजिएगा और इसको गरम तेल में डालते जाइएगा। जी आपको दिखा रहे हैं और तेल में किस तरह डालते हो भी दिखा देती हूँ आप लोग को। देख लीजिए इसी तरह सब तेल में डालते जाइएगा, ये देख लीजिए इसी तरह डालना है और हाथ गोल गोल करके इसको डालते जाइएगा। आप अपना साइज के हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह बनाना चाहते बना सकते हैं, इसका बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। देख लीजिए इसी तरह सबको पलट उलट कर इसको करीबी क्रिस्पी होने तक और इसको कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, पूरा फ्राई करेंगे इसी तरह। देख रहे हैं जिस तरह है, देखिए ये सब हो चुका है, कलर इसका चेंज हो गया है। इसे देखिए अब अपना हिसाब साइज इसका रख लीजिएगा, कितना अच्छा हो अपन के तैयार हो गया है। देख लीजिए सबको निकाल लेंगे, देखिए सबको निकाल लें, अब बाकी जो बचा हो उसको इसी तरह बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, जो बचा उसको इसी तरह बना लेंगे हम। और इसको गर्म पानी में इसको 5 मिनट के लिए इसको फूलने के लिए डाल देंगे, एकदम फूल का बड़ा बड़ा साइज हो जाएगा। तो खुलता हुआ गर्म पानी है उसमें इसको डाल देना है इसको, और 5 मिनट बाद देखिए कितना बड़ा हो जाता है। देखिए इसका कितना बड़ा बड़ा फूल के साइज बड़ा बड़ा हो गया है, देखिए कितना जाली बना हुआ तरी में है, देख लीजिए इसी तरह सब है, देखिए कितना बना हुआ जाली है। अब चलिए जिसमें इसको सर्व करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे उसी में इसको पूरा पानी निचोड़ देंगे, देखिए दबेंगे पूरा पानी निचोड़ जाएगा और फिर वापस उसी साइज में डालते, पूरा पानी निकाल दिया उसी साइज में हो जाएगा वापस। देखिए जिसमें आप खाना चाहते हैं सब खाना चाहते हैं उसी में बनाइए, जितना आप खाते हैं उसी टाइप उतना ही बनाइएगा, बाकी सबको उसको पानी में सोप करके अलग रख लीजिएगा। देख लीजिए हम प्लेट में लगा रहे हैं, जब कुछ खत्ता का मीठा खाने का मन हो तो इसी तरह बना लीजिएगा और खाइएगा। सबको एक इसी तरह लगा देंगे प्लेट में, लगा दिए हैं, देख लीजिए कितना साइज कुछ ख़राब नहीं हुआ पानी में देने के बाद भी। और ये देखिए फेंटा हुआ दही है और ये खट्टा मीठा दही बड़ा बना रहे हैं हम। ये देखिए दही डाल देंगे, सबसे पहले इस पर दही डालेंगे, देख लीजिए जितना दही खाई हुई सब दही डाल लीजिएगा, दही में हल्का चीनी और नमक डाला हुआ है दही में। और ये देखिए ये काला नमक डाल दिए थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिएगा, जो तीखा वाला नहीं है वैसे मतलब इस ये के लिए, थोड़ा जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, जितना मसाला खाते हैं वो लोग आप लोग डाल सकते हैं आराम से। फिर थोड़ा सा दही डाल देंगे, दही डालने के बाद थोड़ा चटनी भी डाल देंगे, जो चटनी खाते हैं वो डाल सकते हैं आप। देखिए ये हरी वाली चटनी है, ये हरी चटनी डाल देंगे, और ये लाल वाली चटनी है इमली का वो डाल देंगे, और जो चटनी खाते वो डाल सकते हैं, और थोड़ा चटनी हम साइड में भी रख देंगे जिसको चाहिए उतना ले खा सकता है, और थोड़ा सा ऊपर से और गार्निश कर देंगे।
ये देख लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मोटा वाला नमकीन आता वो डाल दीजिए, या पतला वाला भी जाल डाल सकते हैं, मोटा वाला था मेरे पास तो वही हम डाल दिए। और थोड़ा सा अनार का दाना डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा, और कुछ सर्दी में खाने का मन हो तो आप लोग खा सकते हैं। देखिए इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया खट्टा मीठा रेसिपी दही बड़ा का, और आप लोग खा लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और आप लोग ज़रूर बना खाइए ठंड मौसम में। लाइक